हम राजगढ़ फोर्ट जा रहे हैं जो सबसे पॉपुलर फोर्ट है पुणे के आसपास, और ये यहाँ से कुछ 60-70 किलोमीटर है, 2 से 2.5 घंटा लगना चाहिए। और आज हम पाली दरवाज़ा रूट वाला रूट पकड़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट रूट है, क्योंकि हमको काफ़ी ऊपर राजगढ़ में भी कवर करना है। तो बाकी दो जो रूट है वो गुंजावने हैं और बुटौंडे हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा रूट है, तो आज वो पाली वाला बेस्ट रहेगा हमारे लिए। निकलते हैं फिर राजगढ़ फोर्ट के लिए। तो अभी ये हाईवे पे हमने यहाँ से ब्रिज के यहाँ से राइट टर्न लिया है, और हमको सामने वाले रोड पे जाना है। उस रोड पे तो आप देख सकते हैं इधर बोर्ड भी लगा हुआ है, ऊपर बोर्ड भी है, राजगढ़ फोर्ट तोरणा फोर्ट लिखा है। राजगढ़ कुछ 30 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो हाईवे से ओवर ब्रिज से नीचे लेने के साइड से लेने के बाद हम अब नरसापुर गांव पहुंच चुके हैं। यहां से कुछ 30 किलोमीटर और बचा हुआ है। ये बहुत ही मस्त रूट है। यहां से हाईवे से अंदर लेने के बाद काफ़ी ग्रीनरी है यहां पे, और काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है, और काफ़ी शांति रहती है यहां पे हमेशा। यही सेम रूट हमको अगर हम आगे जाते हैं तो तोरणा फोर्ट भी लेके जाता है। सेम है वो वैले विलेज, उसका जो बेस विलेज है। और अभी हम थोड़ा आगे जाके 10-15 किलोमीटर आगे जाके हम लेफ्ट ले लेंगे इसके लिए, राजगढ़ के लिए। बाकी अगर हम सेम सीधा चलते रहेंगे तो तोरणा फोर्ट का जो बेस विलेज है वो भी आ जाए। तो पाली दरवाजा का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, 3 किलोमीटर और बचा हुआ है बस। और पीछे देख सकते हैं आप, अच्छे से राजगढ़ फोर्ट दिख रहा है। फाइनली हम पार्किंग पहुंच गए हैं। ये पाली एंट्रेंस की पार्किंग है, तो आप देख सकते हैं इधर काफ़ी सारी गाड़ियां हैं। तो आज सैटरडे और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि भीड़ है। अभी एक बहुत बड़ा ग्रुप ऊपर गया है, तो जो ट्रैक होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, तो यहां से 1 घंटा लगना चाहिए अराउंड पाली दरवाज़ा एंट्रेंस पहुँचने के लिए। तो आपको जो टॉप पर दिख रहा है वो बाले किला है, और आज हमारा प्लान ये है कि हम उधर यहाँ से राइट लेके, पाली दरवाजे से राइट लेके उधर एक संजीवनी माची है, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ से हम सनसेट देखेंगे, और हो सकता है कि हम वहीं पे अपना टेंट फिट कर दें। इधर मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है। तो अभी कुछ 4 बज रही है, 4 भी नहीं 3:30 बज रही है, और एक घंटा लगना चाहिए पाली दरवाज़ा एंट्रेंस पहुँचने के लिए। तो टोटल ऐसा लगता है कि 5 बजे तक हम संजीवनी माची पहुँच जाएंगे, और 5 बजे सनसेट का कुछ टाइम होगा 5:30 के आसपास। तो आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। राजगढ़ को ट्रैक करने के टोटल 3 रास्ते हैं। एक ये पाली दरवाज़ा है जो सबसे शॉर्ट रूट है, दूसरा जो गुंजवाने से वो थोड़ा लंबा है, और इसीलिए आज हमने ये वाला चूज़ किया क्योंकि हमको संजीवनी माची से सनसेट देखना था, और दिन में थोड़ा लंबा रूट से चढ़ना काफ़ी टफ पड़ जाता है।
तो ये सबसे बेस्ट रूट है, और जो बिगनर्स है उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा। ये कैमरा है, छोटा कैमरा है। आपका नाम क्या है, रिकॉर्ड करता है? और कितने साल के हो आप? हाँ, पहली बार आए हो राजगढ़? हाँ। कैसा लगा ट्रैक करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। चलो थैंक यू, अच्छे से जाना है ना। जैसे कि आपने अभी देखा, वो 8 साल की छोटी गुड़िया ट्रैक करने आई थी, उसको काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। जब मैं पिछली बार आया था तब भी मैंने यहाँ पे एक 3 साल का किड और एक 4 साल का कुछ किड होगा, वो दोनों ट्रैक करने आए थे। तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे आते हैं राजगढ़ ट्रैक। चलो 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 चलो। तो ये पूरा ट्रेल काफ़ी वेल मार्क्ड है, और ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर भटक सकते हैं, कोई भी चांस नहीं है भटकने का। पूरे टाइम आपको ऊपर फोर्ट दिखता रहता है, और ट्रेल काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है। तो आप अकेले आए या फिर अपने ग्रुप के साथ आए, आपको कोई भी इशू नहीं होगा कि आपको कोई गाइड या कुछ चाहिए, आप खुद से आराम से आ सकते हैं यहाँ पे। राजगढ़ फोर्ट के ऊपर मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है, तो उसमें काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उस ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं काका हमको ककड़ी काट के दे रहे हैं, और काका के पास ताक नहीं आती, ताक भी है और नींबू पानी भी है। हमको ककड़ी और ताक दे दिया है, काफ़ी सही रहता है सब ट्रैक पे खाना पीना बीच में। यहाँ से सीढ़ियों का सेक्शन चालू हो गया है, अब मोस्टली आगे तक सीढ़ियाँ ही है दरवाजे तक। फाइनली पाली दरवाजा एंट्रेंस दिख रहा है उधर लेफ्ट में। पहुंच चुके हैं, इधर आप देख सकते हैं पीछे पूरा बड़ा गेट है। ये सब प्लेसेस को हम सुबह कवर करेंगे, अभी सनसेट के लिए हम संजीवनी माची के लिए सीधा निकल रहे हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं ये पूरा जो हट बना हुआ है, इसके इधर से आप जाके जाके संजीवनी माची का रास्ता जा सकते हैं। उधर लेफ्ट में देख सकते हैं कि सुबेला माची है, वहाँ पे सुबह सनराइज़ देखेंगे। इधर संजीवनी माची का बोर्ड भी लगा हुआ है, हमको इसी बोर्ड से आगे जाना है। यहाँ से 20 मिनट लगने चाहिए संजीवनी माची जाने के लिए। दौड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि सनसेट ऐसा लगता है कि 5 मिनट में हो जाएगा। देखते हैं एंड तक पहुँच सकते नहीं पहुँच सकते।
देख सकते हैं सनसेट हो चुका है। काफी क्लाउडी था तो सनसेट काफी ऊपर हो गया, पर अभी भी स्काई का कलर काफी मस्त आ रहा है। रास्ता है आगे जब जाते हैं तो वहाँ से एक रास्ता तोड़ना के लिए निकलता है, जैसे मैंने पहले बताया था नीचे, वहाँ से आगे उतर के आप ये वाला पूरा रूट पकड़ के तोड़ना के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से 12 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है तोड़ना का। आज हम यहाँ पे बुरुज, जो सुवेला माची के पास बुरुज है, वहाँ पे टेंट वेंट लगाएंगे। और सुबह से हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था तो अभी आते ही हम सबसे पहले खाना खा रहे हैं। तो घर से आलू की सब्ज़ी और पराठा लेके आए हैं। संजीवनी माची से सुवेला माची आ गए थे रात को ही, और इधर पीछे वाले रूट से हम आए थे, बाले किला वाले रूट से इधर पीछे से, और रात को इधर ही टेंट लगाया था। तो अभी चिलकती बुरुज से थोड़ा सा हम आगे, एक छोटा सा दरवाज़ा है वहाँ से आगे जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं उधर सुवेला माची का एंड पॉइंट दिख रहा है इधर से। सुवेला माची के स्टार्टिंग पे जा रहे देख सकते हैं, अब बाले किला का काफी अच्छा व्यू आ रहा है। अभी हम सुवेला माची से आए हैं और अब बाले किला जा रहे हैं। स्टार्टिंग सेक्शन में ये रेलिंग लगी हुई है और काफी स्टीप है और आज काफी भीड़ है इधर।
सकते हो, जो कल रात को हमने कैंपिंग करी थी वो सुवेला माची दिख रहा है, और उसके आगे ही जो चिलकती बुरुज है वहाँ पे रात को हम सोए थे। चुके हैं, काफी विंडी है इधर अभी, तो इस पॉइंट से आप देख सकते हैं उधर संजीवनी माची दिख रहा है, और मैं थोड़ा सा अगर इधर घूमूंगा तो इधर आप देख सकते हैं कि सुवेला माची दिख रहा है, और सुवेला माची से आपको सनराइज दिखता है, और संजीवनी माची से आप सनसेट भी देख सकते हैं। तो ये दोनों, ये बाली किला के ऊपर व्यू पॉइंट है जहाँ से आप ये दोनों को एक फाइनली सुवेला माची, संजीवनी माची और बाले किला को कवर करने के बाद अब हम टेंपल की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट स्टॉप होगा आज के लिए। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि दो रास्ते हैं राजगढ़ चढ़ने के लिए, जैसे पहला जिससे हम आए हैं बाली दरवाज़ा एंट्रेंस गेट, तो दूसरा जो गुंजवने का रास्ता है वो इधर से आता है। तो इधर आप पीछे देखेंगे बैक साइड में तो पद्मावती टेंपल है। अगर आपके पास टेंट नहीं है, स्लीपिंग बैग नहीं है, तो आप पद्मावती टेंपल में सो सकते हैं, या यहाँ पे कहीं पे भी सो सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे एरिया हैं जहाँ पे आप सो सकते हैं, और इधर आप देख सकते हैं बड़ा कुंड है। तो गुंजवाने का जो रास्ता है वो यहाँ से आता है, वो जैसे मैंने बताया था कि वो लंबा है, और हम जहाँ पाली से आए वो थोड़ा छोटा है। तो अभी हमने सब कुछ कवर कर लिया है। श्रीमंत योगी श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय, रमापति पार्वते हर हर महादेव, हर हर महादेव, राजमाता राष्ट्रमाता मां साहेब जिजाऊ साहिबांचा जय हो, राजमाता राष्ट्रमाता मां साहेब जिजाऊ साहिबांचा जय हो, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय 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 भवानी जय 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 शिवाजी। ये सारे फोर्ट्स जो भी मैं अभी कवर कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली ये वीडियोस बनाने के लिए, ताकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो इस सारी मेहनत के लिए मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं बचे हुए सारे फोर्ट्स कवर करके आपको वीडियोस में दे सकूँ और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, कोई नेक्स्ट फोर्ट जाएंगे इस वीकेंड में। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखना।